खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। विंग कमांडर अभिनंदन के पिता पूर्व एयर मार्शल एस वर्धमान ने अपने बेटे के लिए एक भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने अपने दोस्तों और चाहने वालों के जरिए ये संदेश देशवासियों तक पहुंचाया है। आपको बता दें, संदेश में कहा गया है कि अभिनंदन के प्रति आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। ईश्वर का आभारी हूं कि वो जिंदा है, घायल नहीं है, मानसिक तौर पर ठीक है, बहादुरी से बात कर रहा है जैसे कि एक सैनिक को करना चाहिए। हमें उस पर गर्व है, आपका आशीर्वाद उसके साथ है। ऐसी कामना करता हूं कि उसकी सुरक्षित वापसी हो, उसे यातनाएं ना दी जाएं। इस नाजुक घड़ी में साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमें आपके समर्थन से ऊर्जा मिली है। क्रैश हुए मिग के विंग कमांडर अभिनंदन बुधवार को LOC पार करते वक्त पकड़े गए थे। बताया गया है कि स्थानीय लोगों ने उनसे बदसलूकी की। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। अभिनंदन का एक और वीडियो शेयर किया गया है। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि अभिनंदन पाकिस्तान की कस्टडी में भी बेहद मजबूती से बात कर रहे हैं और मानसिक संतुलन बनाए हुए हैं। पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। सरकार ने पाकिस्तान को कहा है कि वो उन्हें सकुशल वापस भेजे। जिनेवा कन्वेंशन पाकिस्तान में उनका कवच बनेगा। इसके तहत दुश्मन देश ना तो उन्हें तंग कर सकता है और ना ही डरा धमका सकता है, ना ही अपमानित कर सकता है और ना ही मेडिकल सुविधा से वंचित कर सकता है।